हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी भाई। आज मेरे साथ है मेरा दोस्त शायन, इधर देखिए। हाय। और आज हम लोग जो ब्लॉग रेडी कर रहे हैं वो है त्रिपुरेश्वरी टेंपल का ब्लॉग रेडी करेंगे अभी। तो हम लोग अभी जाएंगे इधर से। तो शुरू करने से पहले मेरा चैनल को प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के ओर। और देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है। थोड़ा सा रुक जाते हैं क्या? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मंदिर का एक छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है और जिसमें नीचे से हिंदी और सॉरी बंगाली और इंग्लिश से पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। कब ये स्थापित हुआ था, कौन जो राजा है जो बनाया था, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते हैं मंदिर के ओर और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स। मछलियाँ है और टोर्टोइस है, तो आप लोगों को ये दिखाएंगे सामने से। इधर थोड़ा कम है पर सामने से आप लोगों को दिखाएंगे। इधर बहुत सारे मछलियाँ टोर्टोइस है इस पानी में जो भगवान के नाम पर छोड़ा जाता है। और चलो हम लोग धीरे धीरे से मंदिर में घुसते हैं। इधर देख रहे हैं छोटे छोटे दुकान पार्ट है जो मंदिर के ठीक सामने है और हम लोग अभी मंदिर के ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और देखिए बेस है 24 फीट स्क्वायर है और इस मंदिर का चौड़ाई जो देख रहा है रेड कलर का 74 फीट। Thank you.
थोड़ा सा हम कट कर देंगे। ये त्रिपुरेश्वर टेम्पल है और पहले जो मैंने बताया था कि इस टेम्पल का जो बेस है 24 फीट स्क्वायर और इसका जो टेम्पल का जो हाइट है वो 74 फीट स्क्वायर है। तो ये त्रिपुरेश्वर टेम्पल है त्रिपुरा का जो उदयपुर में सिचुएटेड है और अगरतला से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। ये आप देख रहे हैं कि ये टेम्पल बहुत सुंदर है। जो इधर लोग आते हैं ना, आप जो मंगती करेंगे वो गॉड आपको विश पूरा कर देता है। नज़ारा देखिए बहुत सुंदर है। ये जो 51 फीट का जो होता है उसका एक पार्ट है ये त्रिपुरेश्वर टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितना सारा अगरबत्तियाँ जलाए हुए हैं, अगरबत्तियाँ धूप और ये सब जो भी आप लोग बोलते हैं वही सब यहाँ पे पूरा एकदम दिया गया है। माना जाता है कि इस मंदिर पे कभी आप कोई मन्नत मांग लो और एक बार माँ का पूजा कर लो तो माँ आपके हर मनोकामनाएँ पूरी करती है। तो इसीलिए पूरा ये विश्व में पूरा प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर है वर्ल्ड के हर एक कोने से आता है लोग, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। तो आज तो हाल फिलहाल में कोई फॉरेनर्स नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो कोई भी फॉरेनर्स नहीं है, सब यहाँ पे देसी है, मतलब इंडियन ही है सब सारे सबके। एक्चुअल में तो क्या होता है कि संडे के दिन जो यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, क्योंकि संडे के दिन सबका ऑफिसेस बंद रहता है और हर जगह से लोग आते हैं और काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो अभी ये जो है अभी का मौसम है जो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे मंदिर है, तो मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि यहाँ पे एक मेला होता है दिवाली के टाइम पे जो दिवाली मेला नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, करोड़ों के पूरा भीड़ में है ये जो मेला होता है, तब ये पूरा करोड़ों के भीड़ में होता है ये मेला। तो बहुत जगह से लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, इंडिया के हर एक कोने से आते हैं लोग, अभी आसपास के सिटीज़ वगैरह हो गए, यहीं से अगर आसपास के सिटीज़ वगैरह से लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे पूरा एकदम भर जाता है मंदिर। और मंदिर के नीचे भी पूरा एकदम बहुत भीड़ है। और यहाँ पे जो आप देखे थे पहले, यहाँ पे जो हम लोग रास्ते से आए थे वो पूरा का पूरा रास्ता एकदम पूरा ब्लॉक रहता है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं घुस सकता, कोई बाइक नहीं घुस सकता, मान लो कोई व्हीकल ही नहीं घुस सकता, यहाँ पे पूरा एकदम पैदल आना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर जो भी होता है पूरा पैदल आना पड़ता है, फिर आके मंदिर पे जो माँ है माँ को पूजा करना पड़ता है या फिर मेला अटेंड करना होता है तो भी ऐसे ही आने पड़ता है। तो चलिए आपको आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा, जब दिवाली के टाइम पे आएगा तो भी एक हम लोग मंदिर में बैठे हैं और अभी निकलेंगे, वो जो त्रिपुरेश्वर टेम्पल का जो दीघी है वहाँ जाएंगे और आप लोगों को मछलियाँ दिखाएंगे, टॉर्टोइस दिखाएंगे जो दीघी में है। और जाने से पहले इधर एक शिव मंदिर है वो भी दिखा के आप लोगों को ले जाएंगे, जो छोटा सा शिव मंदिर है वहाँ पहले जाएंगे, बाद में नीचे जाएंगे वो दीघी में जाएंगे, टॉर्टोइस दिखाएंगे, फिश दिखाएंगे। चलो चलते हैं वहाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं दीघी में, जो मंदिर के पीछे एक दीघी है जो टेंपल का दीघी है, उसमें जा रहे हैं हम लोग अभी। ये मछलियाँ बहुत सारे हैं, हाँ।
उसी जगह से उसी जगह आ बाबा मां मैं नहीं कौन आ रहा हां हां आ जाओ आ जाओ हूं मां कि दरोज गिरे जा बा आ फिलहाल हम लोग अभी इधर से जा रहे हैं पुतिपुरुष टेंपल से जा रहे हैं हम लोग अभी और हम लोग अभी जाएंगे भुवनेश्वर टेंपल जो हमारे इधर ही है थोड़ा दूर है पर ज़्यादा भी नहीं है तो अभी इधर जाएंगे और उसका जो ब्लॉग है वो मेरा सेकंड वीडियो में आएगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल को जरूर दबा देना और लाइक भी कर देना चलो ठीक है चलते हैं बाय बाय एवरीवन टेक केयर लव यू ऑल